इंतजार पे गाना हो जाए। इशाद इशाद इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। देखिए टेक्निकल एरर की वजह से फ्लाइट टाइम पे नहीं उतर पाई, इसलिए हमें बहुत खेद है, लेकिन बात जो में है वो नहीं कहीं किसी में है कि नहीं। आगे का गाना आपको मालूम है? आगे का गाना आपको मालूम है? मेरी बस मेरी चोर है यही गली गली में, बुझ न जाए ये शमा ऐतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आईना कुछ खबर मेरे यार की, हमें ये यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। थैंक महेश सोनी, दैनिक समय जगत में मैं सिटी जीप हूँ। महेश जी के लिए बहुत सारी तालियां होते हैं, उन्होंने बड़े प्यार से गाया। ये भोपाल है, यहाँ पे बहुत प्यार से गाते हैं। किनको दीजिए? नहीं, मुझे थोड़े से कुछ लोगों के तेवर देख के लग रहा है कि हो सकता है वो यही गाना प्यार से नहीं खुंदस में गाए। वो नहीं चाहते हम, क्योंकि हम यहाँ पर एक बहुत अच्छे ओकेशन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो है रावण के बारे में बात करने के लिए, जो 2011 की सबसे अवेटेड फिल्म है, और बहुत कारण है इसके लिए। एक सुपर हीरो फिल्म है, एक ऐसी फिल्म है जिसका म्यूजिक ऑलरेडी बहुत बड़ा हिट हो चुका है, एक ऐसी फिल्म जिसके विजुअल इफेक्ट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, और एक एग्जांपल डालेंगे आगे आने वाली फिल्मों के लिए। ऑलरेडी 3 गाने इसके बहुत ज्यादा हिट हैं, चमक छलो दैट्स द बिगेस्ट हिट, इंटरनेशनल पॉप स्टार एकॉन ने गाया है, उसके अलावा क्रिमिनल, उसके अलावा दिलदारा, एंड अगर रावण के बारे में और बात करनी हो तो जब लोग पूछते हैं व्हाट इज रावण, रावण है रैंडम एक्सेस 1, लेकिन इसके आगे, इस टेक्निकल इंफॉर्मेशन के आगे रावण क्या है? रावण, जैसे कि मैंने कहा, एक कहानी है एक सुपर हीरो की जिसमें बहुत सारी अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन फिर भी ये सुपर हीरो विश्वास रखता है कि लड़ाई गोलियों से नहीं दिल से जीती जाती है। रावण कहानी है उस लड़ाई की जो सदियों से चली आ रही है, अच्छाई और बुराई के बीच, आज भी चल रही है, कल भी चलती रहेगी, लेकिन इन सबसे ज्यादा जो सबसे जरूरी है वो ये है कि रावण कहानी है एक बेटे और उसके बेटी, एक बेटे और उसके पिता के बीच बनते बिगड़ते रिश्ते। ऑल इन ऑल इट मेक्स फॉर अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर, और हम चाहते हैं कि कोई ऐसी फिल्म आए जिसे हम अपनी पूरी फैमिली के साथ बेझिझक होकर देख सकें, तो ये एक ऐसी फिल्म है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स दिवाली के पवित्र मौके पर भी आ रही है, सो इसका आपको इंतजार रहेगा, लेकिन आज उससे भी ज्यादा हम यहां पर आपको दिखाना चाहते हैं रावण का सेकेंड थिएट्रिकल प्रोमो, जो एक्सक्लूसिवली आपको यहां पर दिखाया जा रहा है, ये बाहर कहीं पर नहीं है। सो यू गाइज आर वेरी लकी, आप बहुत भाग्यशाली हैं अगर कहा जाए तो, लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। राइट, हेलो, हाँ जी।